हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो भाई, कल रात को अपन जो आ गए और थक के सो गए थे, तो 3 बजे आए थे अपन एंड अप्रोक्स 4 बजे तक सो गए। एंड सुबह सुबह भाई 8 बजे निकल गए, उसमें भी पंगे हो गए, टायर की वॉल चली गई, कार की बैटरी डेड हो गई। वो तो सुबह सुबह राम ने गाड़ी ऐसी चालू रख दिया था इसके लिए, राम की बदौलत। तो फिलहाल अभी अपन जा रहे हैं अपने पहले तो प्राइवेट काम के लिए अल्मोड़ा, एंड देन उधर से अपन घूमने जाएंगे। अपने को भाई पूरा एज यूजुअल घाट पे चलाना है। एंड ये जो भाई यहाँ के रोड है, और रोड से ज्यादा तो यहाँ के ड्राइवर इतने खूबसूरत है, उनकी गलाबाजी इतनी खूबसूरती है भाई, सलाम करना पड़ता है और कभी कभी तो भाई गर्दन झुका के उनको जाने के लिए रास्ता देना पड़ता है, नहीं तो वह आपको वैली में जमा कर देंगे। अभी बज रहे इट्स 10:35। तो अभी ये देखो, ओ भाई यहाँ पे क्या गंदे लैंडस्लाइडिंग हो रखे है, ये देखो पूरे पत्थर। अरे जल्दी से निकलो इधर से, लगेंगे 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 भाई, जल्दी से निकलो इधर। ये जो आगे नेक्सॉन जा रही है, ये भी अपनी है, तो ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी जम गई है। तो अभी फिलहाल भाई बहुत पेशेंस रखना पड़ता है पहाड़ों पे गाड़ी चलाने के लिए। ये देखिए बैरिकेड्स पूरे टूटे हुए हैं, यहाँ पे पत्थर लैंडस्लाइडिंग से इतने गिर रहे हैं। और भाई यहाँ पे गाड़ी चलाने का स्किल्स अगर आपके पास है तो भाई आप जन्नत नहीं सिधारोगे, आप जन्नत देख पाओगे। क्या बोल रहे हो आप? नहीं भाई, फिलहाल तो एक ही चीज हो पाएगी। अभी अपना जो पर्सनल काम था अपन ने वो चीज कर ली है, एंड अभी भाई लोकल है इधर असली हैवी ड्राइवर। अच्छा अच्छा, ओके, मतलब ये जो है ये सब आपने बनाया हुआ है क्या? मोटे मोटे लेते रहता राम। ये देख, ये जो अपना इस साइड में है ना, ये इन्होंने ही बनाया, मतलब ये देख ये जो पिलर्स वगैरह इन्होंने डाले हैं। हाँ भाई, पहाड़ों पे तो ये चीज नहीं होगी तो फिर बाद में थोड़ा सा ये तो हो ही जाता है। इसके लिए आपको एकदम परफेक्ट अंदाज आ गया कितना टर्निंग मारना है, कौन से एंगल में मारना है। आई वाज टेलिंग अबाउट दैट कि आज अपन जो पर्सनल काम के लिए आए थे वो चीज हो चुकी है, अभी इसके बाद अपन जा रहे हैं जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम बेसिकली नोन एज जहाँ पे वर्ल्ड में शिवलिंग की सबसे पहली पूजा हुई थी। ओकेश्वर जागेश्वर यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है, मतलब अल्मोड़ा से हम लोग और 30 किलोमीटर अंदर आए थे और इसके बाद 7 किलोमीटर। सो भाई काफी ही पवित्र स्थान है ये, रूट तो काफी अच्छा है, बढ़िया है। एंड अभी फिलहाल अपन जा रहे हैं जागेश्वर धाम की ओर। तो ये देखिए भाई क्या खूबसूरत सा ये है, हाय। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा ये मंदिर है। तो आप लोग ये तो रीड कर सकते हो, प्राचीनतम एवं मुख्य मंदिर श्री। एंड यहाँ के लिटरली कलाकृति देखिए कितनी प्यारी है, कितनी खूबसूरत बनाई गई है इस कलाकृति में। एंड भाई लाजवाब है सर। शिवलिंग की पृथ्वी का पहला शिवलिंग है। पहला शिवलिंग है। ओके, ये पृथ्वी का सबसे पहला शिवलिंग है। यहाँ पे जो पहला है पूजा हुआ था तो किसने किया था? शंकराचार्य जी ने। हाँ जी, शंकराचार्य जी ने। और यहाँ पर मंत्र छोड़ दिया गया, ओम प्रेम बकम निजा महेश गंजम पुष्टवर्धनम उर्वा रुकमेव वंदनात् मृत्युर मोक्षमावता। इस मंत्र का सर्वप्रथम यहाँ पर मार्कंडे ऋषि जी द्वारा अपने कष्टों के निवारण के लिए इस मंत्र का उपयोग किया था। आज भी लोग जिसकी मनोकामना होती है, जिसको शारीरिक मानसिक कष्ट होता है, उसके लिए यहाँ पर जाप पाठ होता है महामृत्युंजय जो जाप। और यहाँ पर तीसरा नेत्र बना है गुरुनाथ जी का, ये देखिए
ये है तीसरा नेत्र छापा दर्शन कर लेते हैं, ये जागृति का। It's 5 o'clock and अपन है हल्द्वानी, that means we are in नैनीताल। तो तालों में ताल, हम है नैनीताल में। एंड नैनीताल में हम क्यों है, तो ये अभी फिलहाल तो नैनीताल लेक नहीं जा रहे हम है, किधर तो जा रहे, किधर जा रहे, भुजिया घाट हम जा रहे हैं, भुजिया घाट। तो अभी ये तो ये मेरी सब बहनों से मिलो, सब लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन दो, मुझे तो बताने की जरूरत नहीं, यहाँ से स्टार्ट करो। चलो चलो जल्दी जल्दी बताओ, अंजलि कौन है हाथ उठाओ, आरती कौन है हाथ उठाओ, आरती प्रेजेंट, और फिर बाद में वो पीछे वाली कौन, भूमिका, नानू। तो अभी अपन हैंडसम के लिए जा रहे हैं, उसके छोटे से नदी में ये करने, और वहां पे देखिए भाई क्या जोर से, मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि बाहर कितनी तेज हवा चालू है। एंड यहाँ के पहाड़ देखो, क्या खूबसूरत सा नजारा है। तो अभी एक छोटी सी ट्रिप अपन अपनी बहनों के साथ कर रहे हैं। देखो भाई ये लोग किधर पहुंच चुके, अरे तो देखो आपको हैंडसम तो दिखे नहीं रहा रहेगा। एंड यहाँ पे भाई ट्रैकिंग चालू है भाई, ऐसा कौन सा ही जगह है जहाँ पे हम कुछ कारनामा ना करें। तो भाई अभी एक काम कर, थोड़ा गिर के तो बता, थोड़ा सा गिर के बता दे। देखो भाई हैंडसम कितना खुश है, चलो चलो चलो, अले अले अले, बाबू हमारा तैरने जा रहा है, तड़फड़ तड़फड़ के आ रही है। अरे अरे गिर जा, अरे गिर जा, अरे गिर, अरे अरे, 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 अरे। ऐसी लाइफ किसको नहीं चाहिए जहाँ पे भाई मस्त में दोस्त तैयारी बैठे हो। फिलहाल हम तो कजिन्स हैं, तो अभी हमारी गपशप वगैरह तो वहाँ पे चालू है। आज गैस लाना तो भूल गया वैसे तो, बट ठीक है इतनी ज़रूरत है नहीं। तो ये देखो भाई उनका हंसी मजाक तो भाई चालू है कंटिन्यूस। गिर गए, ये देख ये देख ये देख ये देख, दिल को तेरी याद आई, तेरी याद आई तो चल उठा मेरा भीगा बदन, अब मैं क्या, ये तो शादी शीदा लग रही है वे, मैं क्या कहूँ, बह गया, पकड़ लें तो। हाँ दीदी की ओढ़नी पकड़ ले और लेके जा साइड में लेके जा, कर दे। अरे 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 अरे, अरे क्या हो गया, अरे अरे क्या हो गया, इसको देख गौर से देख, भाई इसको गाड़ी में, भाई इसको गाड़ी में लेके कैसे जाएंगे, गौर से देखो इस लड़की को, ये पानी में छल लगाती है। अरे तीन मछली
फिर से गिरेगी, फिर से गिरेगी। कम ऑन, ये भैया, छोटा सा ट्रिप, क्या खूबसूरत और शानदार ट्रिप हुआ। एंड नंदिनी के तो इतने मीम्स बन गए कि भाई उसके 4 साल के बर्थडे तक तो मुझे अच्छा खासा अपना ये वीडियोस मिल चुके हैं। तो अभी फिलहाल 6:15 हो रहा है, यहाँ से रैप अप करते हैं, फटक से निकलते हैं। जन्मों के साथ ही साथ साथ है। पता नहीं ये हमारा जानवर पानी में क्या ढूंढ रहा है। चल मछली पकड़ ले, पकड़ मछली, कहाँ है पे देख। तो अभी यहाँ से ट्रैक करके वापस से गेट बैक टू द कार पार्किंग, यहाँ पे कार पार्क की है। तो हैंडसम हमें रास्ता बता रहा है सी। चलते रहे हैंडसम, शाबाश, गुड बॉय। डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, परदेश घूमो लो बोलो, ऐसी मायारी का करो ना। क्या इशू है, क्या है सिनेरियो से करके। एक दो दिन खड़ी नहीं होती ना मालिक, मैं वही तो बोल रहा हूँ, डेली इसका है रनिंग है। प्लस है, प्लस हाँ, प्लस से लगाया था ये। अच्छा तो ये माइनस पे लगाया था अपना, मतलब है माइनस टू माइनस। भाई अभी गाड़ी तो चालू हो चुकी है अपनी, और इधर का जो सर्विस सेंटर है आज भी बंद है, कल भी बंद है, और कल अपना शनिवार है। अभी कब अपना रुद्रपुर वाली चालू होगी। भाई यही होती है जब घर पे शादी होती है तो कोई भी काम सीधा नहीं होता है, तो भी हम लोग के साथ किसी ना किसी काम में अड़चन आना ये तो भाई जाहिर सी बात है। तो अभी देखते हैं हमारी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। सब देसी जुगाड़ तो होते हैं भाई। तो अभी ऐसा अपन प्रेडिक्ट करके चल सकते हैं कि भाई कार्बन पकड़ा रहेगा, जब भी अपन पानी वगैरह मारते तो मोस्ट ऑफ द टाइम कार्बन पकड़ लेता है। चल वोल्टेज चेक करते हैं भाई क्या स्टेटस है। अभी जो भी था पहले क्लीन वगैरह तो करके देख लिया, ठीक है ना, ठीक है, छोड़ दे, मतलब वोल्टेज आ रही है कम्प्लीटली और बैटरी मतलब चार्ज भी हो रही है।